जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान के लोगों में खौफ है और इस हमले में 5 सैनिक घायल हुए थे जिनमें से एक की मौत हो गई। पाकिस्तान के एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि ये एक ऐसी घटना है जो भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को खराब करने वाली है, इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। कमर चीमा ने कहा कि भारत में इस तरह के हमले होने के बाद भारत की तरफ से आने वाली प्रतिक्रिया का इतिहास अगर देखें तो भारत के नेता पाकिस्तान का नाम जरूर लेते हैं, ऐसे में इस बार भी ऐसा हो सकता है। कमर चीमा ने कहा कि पुंछ जिले में जो घटना हुई उसकी अभी तक किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, ऐसे में ये साफ नहीं हो पा रहा है कि इस घटना के पीछे कौन है। चीमा ने कहा कि आमतौर पर ऐसे हमलों के बाद पाकिस्तान की तरफ उंगली उठती रही है, हालांकि अभी तक भारत के किसी भी नेता या सरकार की तरफ से इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। भारत के नेता इस मसले पर एकदम सधा हुआ बयान दे रहे हैं और पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं, ये एक बेहतर बात है। पाकिस्तानी जानकारों का कहना है कि फिलहाल अभी तक तो भारतीय नेताओं के बयान एकदम सधे हुए हैं, लेकिन ये ऐसे ही रहेंगे ये कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चीजें खराब तो नहीं होंगी, ये चिंता का विषय है। कमर चीमा ने यह संदेह जताया कि कहीं भारत की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई तो नहीं होने वाली है जिससे दोनों देशों में टकराव बढ़ जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से होने वाले हमले पर चिंता जाहिर की। चीमा ने कहा कि उनको इस बात का डर है कि ये मामला बढ़ सकता है, ऐसे में वो चाहते हैं कि अगर दोनों देशों के बीच कोई हॉटलाइन है तो उसका इस्तेमाल करके इन चीजों को नॉर्मल करने का प्रयास किया जाए। कमर चीमा ने अपने वीडियो में कहा कि पाकिस्तान के मुकाबले दुनिया में भारत की बेहतर पोजीशन है और कश्मीर के मसले पर भी दुनिया भारत की बात मान रही है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने कहा था कि हम सीमा पार की किसी भी हरकत का जवाब देंगे। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कह चुके हैं कि हम घर में घुसकर मारेंगे, ये सब पाकिस्तान सुन रहा है लेकिन चुप है क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान की मजबूत हैसियत नहीं है। चीमा ने कहा कि बालाकोट मामले के बाद भी भारत दुनिया को यह समझाने में कामयाब रहा था कि उसने बचाव में कदम उठाया है, तो ऐसे में भारत कुछ ऐसा फिर से कर सकता है। यानी पाकिस्तान को यह डर है कहीं ना कहीं कि भारत जो कि अभी चुप बैठा है और सधी हुई बयानबाजी कर रहा है, कहीं अंदर ही अंदर पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी तो नहीं कर रहा।